स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। यह लेटर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदुस्तानी लड़कों को लिखा गया था। और स्टोरी में आने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ, साइंस या कुछ भी। माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्रिय बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ होना मुझे पसंद है, एंड टॉकिंग टू देम, और उन लोगों से बात करना भी मुझे पसंद है, एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम, और इन सबसे ज़्यादा के साथ खेलना भी मुझे पसंद है। फॉर ए मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड एंड दैट इट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। एक क्षण के लिए तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुका हूँ। टेरिबली ओल्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा वृद्ध। मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुका हूँ, इस बात को मैं एक क्षण के लिए भूल ही जाता हूँ। और जब मैं बच्चा हुआ करता था, यह बहुत समय पहले की बात है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू ए स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस एज टू व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। और मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हें या आप लोगों को सलाहों की एक लड़ी, एक लिस्ट दे दूं, इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए बताया गया। आई सपोज यू हैव एनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स। मेरा मानना है कि यह सब तो आप लोगों के पास पर्याप्त होगा जो आपके अध्यापकों से आपको मिला होगा। If you were with me, I would love to talk to you about the beautiful world of ours, about flower and tree and birds and animals and stars and mountains and glacier and all the other wonderful things that surrounds us in this world. यदि आप लोग मेरे साथ होते हो तो मैं आप लोगों से बात करना पसंद करूंगा इस सुंदर संसार के बारे में, इस अपने सुंदर संसार के बारे में, फूलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, जानवरों के बारे में, सितारों के बारे में, पर्वतों के बारे में, हिमखंडों के बारे में, और ऐसे ही दूसरी आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में जो हमारे चारों तरफ या हमारे आस पास है। I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to this beauty and life that surround you. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, and open your eyes and ears, और अपने आँख कान को खोल लेंगे इस सुंदर और जीवंत वातावरण को देखने के लिए। मतलब मेरी बातों से आपकी समझ बढ़ेगी और अपने वातावरण को अच्छी तरह से देख सकेंगे, सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर बाय देयर नेम। क्या आप लोग फूलों को उनके नाम से पहचानते हैं? एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और चिड़ियों को उनकी गीतों से। हाउ इज इट इज to make friends with them and with everything in nature. इन सब से दोस्ती करना कितना आसान है, और तो और इस प्रकृति में जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे भी दोस्ती करना कितना आसान है।
If you go to them affectionately and with friendship, यदि आप लोग इन प्राकृतिक वस्तुओं या प्राकृतिक जीवों या पेड़ पौधों के पास एक आकर्षण के साथ, एक मित्रवत व्यवहार के साथ जाते हो, तो यू मस्ट हैव रीड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट, और आप लोग बहुत सी परी कथाएँ और कहानियाँ भी पढ़ी होंगी. बट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर दैट हैज एवर बीन रिटन. लेकिन यह जो संसार है, यह स्वयं में सबसे महानतम परी कथा है, सबसे अच्छी परी कथा है, और यह कहानी रोमांस से भरी हुई है, और यह ऐसी कहानी है जो कभी लिखी नहीं गई है, बस देखी गई है, लिखी नहीं गई है. ओनली वी मस्ट हैव आईज टू सी एंड ईयर टू हियर एंड माइंड दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. केवल हम लोग इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए आंखें रखते हैं, और सुनने के लिए कान रखते हैं, और समझने के लिए दिमाग रखते हैं. कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास इस प्रकृति की, संसार की सुंदरता को देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, और समझने के लिए दिमाग है. इस कथा को, इस कथा रूपी संसार को, जो किसी भी परिकथा से कहीं बेहतर है. आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड इंग्लैंड. मैं हाल फिलहाल में ही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया था. आई फाउंड द चिल्ड्रेन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रेन हियर एंड सो आई ईजिली मेड फ्रेंडशिप विद देम. और मैंने पाया कि वहाँ के जो बच्चे थे वो यहाँ के बच्चों जैसे ही थे, और मैंने बहुत ही आसानी से उनके साथ दोस्ती कर ली. एंड वेन एवर आई हैड द चांस, और जब कभी मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ के बच्चों से दोस्ती की. आई प्लेड विद देम ए लिटिल, कुछ देर मैं उन लोगों के साथ खेला भी. दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन मैनी ऑफ माई टास्क विद द ग्रोइंग ऑफ हु इमेजिन दे आर वेरी डिफरेंट एंड डिलीवरेटली मेक देमसेल्फ सो. दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, और बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा दिलचस्प था तुलनात्मक रूप से बड़े और बड़े लोगों से बात करने में, जो लोग इस बात की कल्पना करते हैं कि वे बच्चों से भिन्न हैं, जो स्वयं को अपनों से बच्चों से भिन्न समझते हैं, उनसे बात करने की तुलना में मुझे बच्चों से बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी मिली. सम मंथ एगो द चिल्ड्रेन ऑफ जापान रोड टू मी एंड आस्क मी टू सेंड देम एन एलिफेंट. कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने मुझे लिखा और हाथी भेजने की बात कही. आई सेंड देम ए ब्यूटीफुल एलिफेंट, मैंने उन्हें एक सुंदर हाथी भेजा. ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया, और भारत के बच्चों की तरफ से, बिहाफ मतलब की तरफ से, तो भारतीय बच्चों की तरफ से मैंने जापानी बच्चों को एक सुंदर हाथी भेजा. दिस एलिफेंट केम फ्राम मैसूर एंड ट्रेवल ऑल द वे बाई सी टू जापान. ये जो हाथी था ये मैसूर से आया था, और जापान तक की यात्रा इसने समुद्र मार्ग से की. वेन इट रीच्ड टोक्यो थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन केम टू सी इट. जब यह हाथी टोक्यो पहुँचा तो हजारों बच्चे इसको देखने के लिए आए. मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, उनमें से बहुतों ने हाथी को पहले कभी नहीं देखा था. सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड रिमेंबर दैट एवरीवेयर दे
There are children like you going to school and play, sometime quarreling, but always making friends again. So we must also think to their country. इसलिए हमें उनके देशों के बारे में सोचना चाहिए एंड ऑफ मेनी अदर कंट्री और दूसरे देशों के बारे में भी इन द वर्ल्ड इस संसार के दूसरे देशों के बारे में भी सोचना चाहिए एंड रिमेंबर और याद रखना चाहिए दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रेन कि हर कहीं बच्चे हैं और लाइक यू आप जैसे ही बच्चे हैं गोइंग टू स्कूल जो स्कूल जाते हैं एंड प्ले खेलते हैं सम टाइम क्वारलिंग कभी कभार झगड़ा भी करते हैं बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन और हमेशा वो फिर दोबारा से मित्र बन जाते हैं. You can read about these countries in your books and when you grow up, many of you will visit them. आप लोग इन देशों के बारे में अपनी पुस्तकों में अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं और आप में से जब आप बड़े हो जाओगे तो आप में से बहुत से इन देशों को देखेंगे जाएंगे. Go there as friends and you will find friends to greet you. वहाँ जाओ एक मित्र की तरह और आप पाओगे कि एक मित्र की तरह आपको आपका स्वागत किया गया. As I write, I think of the vast army of children all over the world, outwardly different in many ways, speaking different language, wearing different kind of clothes and eat so very like one another. जैसा कि मैं लिखता हूँ, I think of the vast army of children all over the world. जैसा कि मैं पूरे संसार के बच्चों की जो बहुत बड़ी फौज है उनके बारे में जो सोचता हूँ, outwardly different in many ways. बहुत ही तरह से देखा जाए तो उनमें बहुत सी भिन्नता है. स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, वे अलग भाषा बोलते हैं. वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, वे अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. एंड इट सो वेरी लाइक वन अनदर, लेकिन इन सब के बाद भी वे सारे बच्चे काफ़ी हद तक एक जैसे हैं. इफ़ यू ब्रिंग देम टूगेदर दे प्ले आर क्वायर, अगर सारे बच्चों को एक साथ ला दिया जाए दुनिया के सारे बच्चों को तो वे एक साथ खेलेंगे या फिर झगड़ा करेंगे. बट इवन देयर क्वारलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन प्रायः होता ही है कि उनका जो झगड़ा होता है वो भी एक प्रकार का खेल ही होता है. दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंस अमंग देमसेल्फ, वे अपने बीच की जो भिन्नता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. एडवेंचर्स वंडर्स एंड डिस्कवरी, रोमांच आश्चर्य और खोज. आवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, हमारा जो देश है वो अपने आप में एक छोटा सा संसार है. विथ एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर, और इसमें बहुत से विभिन्न प्रकार के स्थान हैं जिन्हें हमें खोजना है, मतलब जानना है. आई हैव ट्रेवल्ड ए ग्रेट डील इन द कंट्री एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, मैं अपने देश में बहुत ज़्यादा यात्रा कर चुका हूँ. एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, और मैं कई सालों में बड़ा हुआ हूँ, मतलब कई साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बिता चुका हूँ. आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट आई कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, और मैं इस बात की आशा करता हूँ, इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं इस देश के प्रत्येक कोने को, चप्पे चप्पे को देखता. वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रेन, आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रेन हूज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विथ वंडर एंड क्यूरोसिटी, और मैं तेज बच्चों के साथ देश के हर कोने में जाना पसंद करता, उन तेज बच्चों के साथ जिनका दिमाग खुल रहा है और आश्चर्य तथा जिज्ञासा से भरा हुआ है. आई शुड लाइक टू गो विथ देम नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया एज टू द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर एंड द ओल्ड माउंटेन्स ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडिया स्टोरी. मैं उन बच्चों के साथ जाना पसंद करूँगा
ज़्यादा करके बड़े शहरों में नहीं बल्कि पर्वतों पे और जंगलों में और जो बड़ी महान नदियां हैं, प्राचीन नदियां हैं, वहाँ पुराने पर्वत हैं जो भारत की कहानी को कहते हैं। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देम सेल्फ दैट दे कैन प्ले अबाउट इन स्नो इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सी अदर प्लेस वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लॉरेस। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर, मैं उनके लिए खोजना पसंद करूँगा, फॉर देम सेल्फ दैट दे कैन प्ले अबाउट इन स्नो, तक उनके लिए मैं खोजना पसंद करूँगा जहाँ पे वे स्वयं ही बर्फ में खेल सकें। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सी अदर प्लेसेस वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लॉरेस, तो स्नो में बर्फ में खेल सकें और भारत के कुछ हिस्से में जहाँ पे उष्णकटिबंधीय जंगल फल फूल रहे हैं उन क्षेत्रों को भी उनके साथ खोजूंगा या देखूंगा। सच ए ट्रिप विथ चिल्ड्रेन वुड बी ए वॉयज ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड हिल साइट्स एंड द फ्लावर दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस। ऐसा यात्रा बच्चों के साथ एक बहुत ही लंबी समुद्री यात्रा होगी जो खोजों से भरी होगी और सुंदर पेड़ पौधे होंगे, हमारे जंगल होंगे और पहाड़ियाँ होंगी, फूल होंगे और फ्लावर्स दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन एंड ब्रिंग्स लाइफ एंड कलर टू अस। अब फूल होंगे और बदलते हुए मौसम होंगे जो हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं। इफ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे दे ऑल्सो बिकम फ्रेंडली, यदि हम लोगों से मित्रवत मिलते हैं तो वे भी हमसे मित्रवत हो जाते हैं। बट इफ वी आर अफ्रेड ऑफ देम आर इफ वी शुड आवर डिसलाइक टू देम दे बिहेव इन द सेम मैनर, लेकिन यदि हम लोगों से डरते हैं या उनसे घृणा करते हैं तो वे भी ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते हैं। दीज आर सिंपल ट्रूथ विच द वर्ल्ड हैज नन फॉर एजेस, यह बहुत ही साधारण सत्य है जिसे दुनिया सदियों से जान रही है। बट इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स द पीपल ऑफ वन कंट्री हु हेट एंड फियर द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया यह भूल जाती है और दुनिया के जो एक कंट्री के लोग होते हैं वो दूसरे देश के लोगों से डरते हैं या दूसरे देश के लोगों से घृणा करते हैं। बिकॉज दे आर अफ्रेड दे आर समटाइम फूलिश एनफ, क्योंकि वे कभी कभी सचमुच डरे हुए होते हैं या फिर वे अच्छे खासे मूर्ख होते हैं। एनफ टू फाइट ईच अदर, और इतने मूर्ख होते हैं कि एक दूसरे से लड़ने के लिए उनकी मूर्खता पर्याप्त होती है। चिल्ड्रेन शुड बी वाइजर, बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट आई होप द चिल्ड्रेन हू रीड दिस विल बी मोर सेंसिबल, किसी भी कीमत पर मैं आशा करता हूँ कि हमारे बच्चे जो इसे पढ़ेंगे वे ज़्यादा समझदार होंगे। नवंबर 1958 वह डेट लिखी गई है जब इस लेटर को लिखा गया था। योर लविंगली चाचा नेहरू, और लेटर लिखने वाले का सिग्नेचर है चाचा नेहरू।